हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारी चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी के लिए जनरल साइंस के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इस पर सवाल हमेशा आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो चलिए क्या सवाल बन सकते हैं। सवाल इस पर कई तरीके से बन सकते हैं। कुछ तो आपके इसमें रूल्स हैं, कुछ आपके एसीडीसी के ऊपर सवाल पूछा जाता है, और जो आपकी घरेलू आपकी वायरिंग होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी मानी जाती है। तो करंट कौन सी होती है? करंट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो आपके बाहर के खंभों की वायरिंग है, घर की वायरिंग है, या जो आपका पावर हाउस है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होते हुए आपके इंस्ट्रूमेंट तक जाती है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रबिंग एंड इन्फ्लेटेड बैलून और क्लोथिंग और रबिंग योर शूज ऑन कारपेटिंग फॉर्म्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस हैपेंस बिकॉज टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दीज पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज है आपका, उसको जो है आपका, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टेज इन वन प्लेस, एक प्लेस पर होती है। उसके एग्जाम्पल्स हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर हम बैलून को रब करते हैं या कारपेट को जो है रब किया जाता है, तो शूज को जो है कारपेट के ऊपर रब किया जाता है, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। चलिए, उसके अलावा इलेक्ट्रिक मैन किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रिक मैन बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है, और ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटेड विद लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करती है। तो ये आपका है 186,000 माइल्स पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। और कंडक्टर क्या होते हैं? सुचालक बोला जाता है हिंदी में इसे। तो इट इज ए मटेरियल विच अलाउज करंट और चार्ज टू पास थ्रू एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर। जो सुचालक होते हैं जिसमें से करंट होकर चला जाता है, कंडक्टर कहते हैं। एक होता है आपके कुचालक, इंसुलेटर। इट इज़ ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द करंट चार्ज टू पास थ्रो। जैसे रबर है, लकड़ लक्कड़ है आपकी, वुड वगैरह, उसमें से आपकी बिजली होकर करंट होकर नहीं जा सकती है। और एक है आपका सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ सो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ठीक है, पिक्चर के जरिए आप देख सकते हो। नो सर्किट विल वर्क इफ इट हैज़ ए ब्रेक इन इट। और इसके अलावा एक फॉर्मूला है आपका, कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो जो I क्या है? आपका करंट है, और Q आपका कूलाम है, आपका चार्ज है, T आपका टाइम है। तो कई बार जो है QT दिया होता है, तो I निकालने में आसानी होती है। जो आपका कूलाम है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। और इसके अलावा साइन है आपके सिंबल ऑफ कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो ये आपका है स्विच ओपन, ये आपका स्विच ओपन, स्विच क्लोज का साइन है, स्विच क्लोज का साइन है, सेल का साइन है, ये आपका रेजिस्टेंस का है, ये बल्ब का है, ये वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग है, ये वायर जॉइंट है, और ये बैटरी का साइन है, ये भी आपके रेजिस्टेंस के साइन है, ये एमीटर का साइन है, वोल्टमीटर का और गैल्वेनोमीटर का साइन है। तो कई बार साइन दे दिए जाते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ओम का लो क्या है? ओम का लो जो है आपका वी इजिकल टू आर इन टू आई। तो आर क्या है? तो आर आपका रेजिस्टेंस है, वी आपका वोल्टेज है, आई आपका करंट है। करंट की यूनिट आपकी एम्पियर होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, और रेजिस्टेंस की ओम होती है। तो कई बार क्या है, लॉज वगैरह दिए होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो आपकी इक्वेशन बनती है वी इज इक्वल टू आर इन टू आई। तो जो आप पिक्चर से देख पा रहे हो, ये आपकी करंट मान सकते हो एम्पियर में, और रेजिस्टेंस क्या है? उसको रोकने का, प्रतिरोध का काम करता है। तो ये आपका ओम, हम इसे ओम इसकी यूनिट है, वोल्ट है जो आपका उसको आगे बढ़ाता है, वोल्टेज जो है। तो ये इनका रिलेशन है, उसको पिक्चर के जरिए भी आप देख सकते हो। बाकी V इज इक्वल टू आई इन टू आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो देर आर फोर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर डिपेंड्स। टू लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, टेम्परेचर।
पर डिपेंड करता है, चार चीज़ें हैं, स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। और रेजिस्टिविटी ऑफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी इज विच आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो बाकी सिल्वर की रेजिस्टिविटी आप कितनी होती है, और इसका जो यूनिट है ओम मीटर होता है। और इसके अलावा जो है आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हमें इसकी ज़रूरत जो है ये न्यूमेरिकल्स निकालने में पड़ती है। कई बार जो है सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये आपका सर्किट है, तो वो आपका अगर सीरीज में लगा है तो R इजिकल टू R+1, R+2, R+3। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम इसके करवाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका पैरेलल फॉर्म में लगाया हुआ है रेजिस्टेंस, तो इसका आपका वन अपॉन आर इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो पैरेलल फॉर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक आपने हीटिंग इफेक्ट वाला फॉर्मूला भी देखना है, हीटिंग इफेक्ट की भी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ना कि HSC में जो है आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, आजकल सवाल आने आ रहे हैं साइंस में। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर देन कंडक्टर गेट्स हीटेड, दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आपका V=VIT या I²RT और V²R(T) याद होना चाहिए, बाकी मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपकी कराऊंगा। जूल्स का लो, ये इस इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, H=I²RT J, हीटिंग इफेक्ट। तो बाकी एक स्टेट्स द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, तो यानी कि H जो है आपका हीटिंग इफेक्ट जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और R के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है T के भी, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिकल हीटर ये आपके हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक आयन, वाटर हीटर एक्सेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वर्क अपॉन टाइम, P=Work/Time। तो P=Work/Time ये आपका पावर निकालने की इक्वेशन है। तो बाकी जो है ये यूनिट्स पूछी जा सकती हैं, एक वाट में कितने वोल्ट एम्पियर होते हैं, एक किलो वाट में कितने वाट होते हैं, एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं, गीगा वाट में कितने वाट होते हैं, एक HP में कितने वाट होते हैं, ठीक है 746 वाट होते हैं, एक किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट इज ए मेटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो मेटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, बट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ए फोर्स दैट पुल्स ऑन अनोदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन एंड अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है, वो मटेरियल जो जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अब इस पर सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जा सकते हैं आपके परमानेंट मैग्नेट पे सवाल आ सकता है इसके एग्जांपल। तो परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल है आपका नियोडाइमियम आयरन बोरोन, सेमेरियम कोबाल्ट, अल्निको और सेरेमिक और फेराइट मैग्नेट, ठीक है परमानेंट के एग्जांपल हैं, पक्का याद होना चाहिए। टेम्परेरी में आपका सॉफ्ट आयरन डिवाइसेस बोलते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ वाइंडिंग ए वायर into multiple loops around a core material, this formation is known as solenoid. So two magnetized electromagnets and electrical current is passed through the solenoid to create a magnetic field. तो एक सवाल आपका यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल है आपका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल, इस पर सवाल पूछा जाता है कि मोशन जो है लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग ने कौन सी फिंगर में दिखाया, फील्ड किस में दिखाई है और करंट किस में, सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच थंब फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे एट दीज फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
इफ फोर फिंगर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मिडल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल है उसमें जो थंब है वो जो उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस फिंगर या थंब के जरिए दिखाई जाती है, करंट किसके जरिए दिखाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड किसके जरिए शो की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको आना चाहिए। और इसके अलावा आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड वाला रूल है आपका, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका ये फिंगर है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आपका थंब के जरिए है, और आपका करंट इंड्यूस्ड करंट जो है आपका ये बीच वाली फिंगर है, ये आपका राइट हैंड वाला। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्ट्रेच थंब फोर्थ फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच वे दैट दीज थ्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ एडजस्ट थंब एंड फोर्थ फिंगर इन सच ए वे दैट थंब इंडिकेट्स आर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जा सकता है, तो आपने उस फिंगर के बारे में बताना है, कंडक्टर का पूछा जा सकता है, करंट का पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट ऑफ सर्किट। ठीक है, तो करंट है या नहीं है ये बता देता है सर्किट में गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इसके अलावा है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर तो आप जानते ही हो, इंडक्शन भी आप लोग जानते हो। तो एक है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब इसकी हमने बात की थी, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर और एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें मैं बात करना चाह रहा था एसी और डीसी की, एसी करंट और डीसी करंट की बात मैं करना चाह रहा था। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, तो करंट जो है उसके टू टाइप हैं आपके, अल्टरनेटिव करंट, तो जो भी आपकी पावर हाउस से बिजली आती है, घर की जो वायरिंग है आपकी, जो आपकी हाउस की वायरिंग है, हाउस की वायरिंग में हमें एसी मिलता है, जो आपके बल्ब हैं, पंखे हैं जो चलते हैं, एसी चलता है घर पर, फ्रीज चलता है, तो जितना भी आपका आपकी बिजली है वो अल्टरनेटिव करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं उसे, एसी करंट जो पावर सप्लाई है आपकी। तो जो पावर सप्लाई है घरों के अंदर, ऑफिसिस के अंदर, और जो बाहर के बाहर खंभों में है, वो सब एसी होता है। डीसी आपका होता है जैसे आपका मोबाइल का चार्जर का बैटरी, बैटरी वाला, ठीक है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो डीसी करंट होता है उसके अंदर। एक बार आपने देखा होगा ना, मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है, तो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है, तो मोबाइल फ़ोन सीधे हमारे स्विच में से क्यों चार्ज नहीं होते, हमें जो है चार्जर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो चार्जर जो है वो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारी बैटरी के लिए ज़रूरी होता है। इन्वर्टर में भी जो आपका फंक्शन है, जो बैटरी में होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वो डीसी में जो है स्टोर की जाती है, डीसी के फॉर्म में, जो आपका इन्वर्टर का बैटरी होता है। तो जब लाइट चली जाती है फिर इन्वर्टर उसको डीसी में फिर से एसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, पहले जब लाइट आ रही होती है चार्जिंग दे रहा होता है, जब लाइट चली जाती है उसके बाद वो फिर दोबारा से डीसी को एसी में करता है। ठीक है, तो डीसी और एसी का फ़र्क आपने समझ लिया है। इसके अलावा जो घर की वायरिंग है, इसमें जो घर की वायरिंग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम इज 220 वोल्ट। तो दो घर की वायरिंग में जो है आपका 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है सप्लाई की, क्योंकि तो बाहर जो आपका बिजली घर है वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा बिजली आ रखी होती है, 14,000 पता नहीं कितने वोल्ट और उससे भी ज़्यादा ज़्यादा वोल्ट की होती है, कम बढ़ती होती है। घर के लिए हमें 220 चाहिए होती है, तभी घर के बाहर जो है ना ट्रांसफार्मर लगा होता है हर महीने के अंदर, वो क्या करता है ट्रांसफार्मर इसको 220 वोल्ट बनाकर देता है घरों के लिए। चलिए, तो एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, बाकी शॉर्ट सर्किट क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, ओवरलोडिंग क्या होता है ये भी आपको पता है, फ्यूज़ क्या होता है ये भी आपको पता है। लेकिन फ्यूज़ में जो है हमने जो बातें याद रखनी है, जैसे कि आपका है कि कॉपर वायर इज़ नॉट यूज्ड एज फ्यूज़ वायर बिकॉज, क्योंकि इसमें यूज़ होता है आपका टिन का और उसके अलॉय का और लेड का, ये अच्छा फ्यूज़ माना जाता है। ठीक है, तो कॉपर का यूज़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और रेजिस्टेंस उसका लो होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इसके ऊपर, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। और इलेक्ट्रिसिटी पे एक सवाल आ जाता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपसे कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कई सारे हमने ये इक्वेशंस इसमें देखी, वो सब हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।
हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।